इजी और इनोवेटिव रेसिपीज के लिए हमारे चैनल फूड कनेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आज आप सबके लिए एकदम बेसिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन, बेसन बहुत चीज़ों में यूज़ होता है। जनरली मिठाइयों में मोटा बेसन यूज़ होता है और मोटा बेसन मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं आज उसी की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ किस तरह से आप घर पर चने की दाल से बेसन बना सकते हैं। चने की दाल का यूज़ करके मैं बेसन बना रही हूँ। चने की दाल में थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है। पीसने से पहले हम इसको थोड़ा सा या तो 2 घंटे धूप में रख देंगे या फिर आप 2 से 3 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो आप उसको अपना सकते हैं। बेसन हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। यदि आपके यहाँ बहुत ही बढ़िया धूप आती है तो आप इसे 2 घंटे के लिए धूप में रखते हैं, और यदि धूप नहीं आती है, जैसा कि मेरे यहाँ धूप थोड़ी कम आती है, बैल्कनी में हल्की सी धूप आती है, तो मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लूँगी। ऐसा करने से जो चने की दाल में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वह सूख जाएगा। हम बेसन आटा चक्की या फ्लोर मिल पर भी पिसवा सकते हैं, पर फ्रेंड्स वो 1/2 किलो 1 किलो पीसने के लिए साफ मना कर देते हैं, इसलिए मैं इस रेसिपी को आपको घर पर सिखा रही हूँ ताकि आप घर पर आसानी से इसे बना सकें। अब एक चने की दाल लें और उसको आप अपने दांतों के बीच में रखें। दांतों के बीच में रखते ही आपको एकदम क्रंची टेक्स्चर लगे, एकदम कट किया हुआ जाए, तो इसका मतलब हमारी दाल भुन चुकी है। इसे गैस बंद कर दें और करीब 15-20 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। ठंडा करने के लिए आप इसे प्लेट में फैला के रख दें, इसे जल्दी ही ठंडी जाती है, किसी बोल में ट्रांसफ़र कर दें। आप किसी न्यूज़पेपर या कपड़े पर भी फैला कर इसे ठंडा कर सकते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। चने की दाल काफ़ी अच्छी ठंडी हो चुकी है। ठंडा होने के बाद में ही हम इसे एक मिक्सर जार में डालेंगे। मैं यहाँ पर ये बड़ा वाला मिक्सर जार यूज़ कर रही हूँ जो कि ड्राई चीज़ें पीसने के लिए होता है। तो उसमें इस चने की दाल को ले मैं करीब 1/2 किलो चने की दाल ली है, उसे एक साथ इसमें डालें और इसका हम पाउडर बना लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट के बाद में ही इस तरह का हमारे पास में दरदरा पाउडर मिल जाएगा, पर यह अभी भी काफ़ी मोटा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि इस तरह का दरदरा पाउडर हमें नहीं चाहिए, हमें मोटा बेसन चाहिए, लेकिन इतना मोटा भी बेसन नहीं चाहिए। तो हम इसे वापस से एक बार ढक्कन लगा के वापस से पीसेंगे। फ्रेंड्स, मिक्सर को एकदम साथ ना चलाएं क्योंकि बेसन पीसने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो मिक्सर आपका गर्म हो सकता है, तो इसे थोड़ा थोड़ा रुक कर चलाएं ताकि मिक्सर गर्म ना हो। तो आप देख सकते हैं सेकेंड टाइम में हमने जो पीसा है ये काफ़ी बारीक पाउडर हो चुका है। यदि आपको इससे भी ज़्यादा बारीक चाहिए तो आप उसे और पीस सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए इस तरह का दरदरा पाउडर चाहिए, तो मैं इसे इतना ही पीस लूँगी। अब इसे हम एक छलनी में डालकर छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जिस तरह की कंसिस्टेंसी का आपको चाहिए उस तरह की आप छलनी लेकर आप इसे छान सकते हैं। मैं आज यहाँ पर आटे की छलनी से छान रही हूँ क्योंकि हम जो मिठाई बनाते हैं उसके लिए हल्का सा मोटा बेसन चाहिए होता है। चाहे आप बेसन के लड्डू बनाएं, बेसन की बर्फी बनाएं, या कोई भी आप बेसन की चीज़ बनाएंगे मिठाई, तो उसमें इसी तरह का मोटा बेसन यूज होता है। छानने के बाद में नीचे हमें यहाँ पर मेरे मनपसंद तरह का बेसन मिल चुका है। यदि आप इसे और फाइन पा चाहते हैं तो आप और बारीक छलनी से इसे छान कर अपने मनपसंद अनुसार बेसन तैयार कर सकते हैं। और जो ये मोटी दाल हमारे पास एक मोटा दरदरा पाउडर बचा है जो कि छोटे छोटे दाने लग रहे हैं, हम इसे वापस से मिक्सर जार में डालेंगे और एक बार इसे वापस से पीस लेंगे। इसे हमें इसी तरह से पीसना है ताकि हमारा मिक्सर एकदम गर्म ना हो। मिक्सर गर्म होने से हमारा मिक्सर ख़राब भी हो सकता है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने वापस से पीस लिया है और काफ़ी अच्छा पीस चुका है। मैं इसे भी वापस से छान लूँगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको जिस तरह का बेसन चाहिए उस तरह का आप यहाँ पर छलनी यूज़ करके उसे छान सकते हैं, बाकी के पार्ट को आप वापस से पीस सकते हैं। पर मुझे आज मोटा बेसन चाहिए क्योंकि मुझे आज मिठाई बनानी है, तो मैं इस तरह का आटे की छलनी से ही इसे छान रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप घर पर बेसन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ऊपर छोटा सा मोटा मोटा पार्ट पड़ा है, करीब 1 चम्मच हमारे पास में ये मोटा बचा हुआ चने की दाल का पार्ट है, इसे आप फेंकिए मत। इसे आप आटा गूंथते वक्त, पूरी का आटा लगाते वक्त, कबाब कटलेट या फिर दाल उबालते वक्त इसे डाल दें। इससे आपकी चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी और इसका प्रॉपर यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से घर पर बेसन बना लिया है। अब बेसन पीसने के लिए या मिठाई बनाते वक्त आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मोटा बेसन तो घर पर है ही नहीं। अब फटाफट से अपने चने की दाल निकालें और इस तरह से बेसन को तैयार करें और अपनी मिठाइयों को बनाकर एंजॉय करें। घर की चीज़ हमेशा हेल्दी होती है, टेस्टी होती है और एकदम परफेक्ट होती है, तो अपनी मनपसंद अनुसार बेसन को बनाएं और उससे अपनी
अच्छी मीठी और बढ़िया चीज़ें बनाकर एंजॉय करें।